हेलो दोस्तों, आज हम सेक्शन 125 सीआरपीसी पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑन मेंटेनेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वाइफ अपने हस्बैंड से, बच्चे अपने माँ बाप से या माँ बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके, तो वो कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास पैसा होते हुए भी वो अगर रिफ्यूज़ करता है या नेगलेक्ट करता है, किनको? अपनी वाइफ को, जो माइनर बच्चे हैं, लेजिटिमेट हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, मैरिड हो या नहीं हो, या फिर कोई भी बच्चा जो फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल हो, या अपने फादर को या अपने मदर को, कोई भी इंसान अगर इस तरह से उनको नेगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, उनको पैसा नहीं दे रहा उनके गुजारे के लिए, तो वो लोग यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उनको क्या करना होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, वहाँ पर एक पिटीशन मूव करनी है और उसके बिहाफ पे कोर्ट जो है उनको मेंटेनेंस लगा के देगी। मींस उनको बताएगी कि इतना इसका खर्चा देना है और वो जो आदमी है, जो पर्सन है, वो उनको मेंटेनेंस देगा। फिर अब इसमें एक प्रोविज़न है इंटरिम मेंटेनेंस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि कई बार क्या है कि इंडिया में केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं, साल, डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, ऐसे भी चलते हैं, तो तब तक के लिए भी इस प्रोविज़न में एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक इंटरिम मेंटेनेंस कि जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए भी उनको गुजारा भत्ता मिलता रहेगा। जो भी उनके केस चलने पे लिटिगेशन चार्जेस हैं, जो वकील की फ़ीस है कह लीजिए आप, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा है, वो भी कोर्ट आपको दिलवाएगी। और ऐसी एप्लीकेशन को कोर्ट लॉ के हिसाब से 60 दिन में, पूरी कोशिश की जाती है कि 60 दिनों में उस एप्लीकेशन को, जो कि इंटरिम हम मेंटेनेंस बोलते हैं, उसमें उसको गुजारा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसमें प्रावधान है इस कानून में। इसमें खास बात क्या याद रखनी है? जनरली एक मिथ रहता है कि इस सेक्शन में सिर्फ वाइफ ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बच्चा जो है अपनी मदर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। फादर से तो कर ही सकता है, बट मदर से भी कर सकता है। कोई भी पेरेंट, फादर या मदर, अपनी डॉटर से भी या अपने सन से तो सबको पता है कि हाँ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डॉटर भी मेंटेनेंस देने के लिए इसमें उसका प्रोविजन है कि डॉटर भी मेंटेनेंस देगी, बट इसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस नहीं ले सकता। वाइफ हस्बैंड से ले सकती है, हस्बैंड वाइफ से नहीं ले सकता। उसके लिए अलग प्रोविजन है जिसकी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। और क्या बातें देखनी है? एक डिवोर्स्ड वुमेन, जिसका कि डिवोर्स हो चुका है, ऐसी वुमेन भी इस कानून में मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। और जो ये मेंटेनेंस का ऑर्डर है, ऐसे होता है कि सपोज करो मेंटेनेंस की जो पिटीशन वो डाली 2015 में, बट ऑर्डर जो हुआ उसके ऊपर 2018 में हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 2018 से ही उसको मेंटेनेंस मिलेगी। कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट उसको ये बोल सकती है कि आपको जो मेंटेनेंस है वो बैक डेट से मिलेगी, फाइलिंग ऑफ पिटीशन से। मींस 2015 में आपने पिटीशन फाइल की थी तो आपको तभी से मेंटेनेंस मिलेगी। बट इसमें क्या एक ध्यान रखना है, जो इसमें कानून में क्या बोला गया है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में रहती है, एडल्ट्री मींस किसी और इंसान के साथ, किसी और मैन मेल के साथ रहती है, उसको हम बोलते हैं एडल्ट्री। तो अगर ऐसा कुछ प्रूव हो जाता है कि वाइफ जो एडल्ट्री में रहती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकती। या फिर ऐसी वाइफ जो बोल दे खुद ही कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और वो उसका कोई रीज़न भी नहीं बताती है कि क्यों नहीं रहना चाहती, सिंपली बोले कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकती यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसमें यह है कि कहाँ पे पिटीशन हम फाइल कर सकते हैं, 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन है कहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो जिसके भी अगेंस्ट हम ऐसा कुछ मांग रहे हैं रिलीफ कि हाँ मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट मुझे रिलीफ चाहिए, या मेरे बेटे के अगेंस्ट चाहिए, या बेटी के अगेंस्ट, तो जहाँ पे भी वो पर्सन रहता है जिसके अगेंस्ट हम रिलीफ मांग रहे हैं, वो जहाँ रहता है वहाँ पे भी, या उसकी जो वाइफ है वो जहाँ रहती है वहाँ पर भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर वो अपनी वाइफ के साथ जहाँ पर भी लास्ट टाइम रहा हो, लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ, वहाँ पर भी पिटीशन फाइल की जा सकती है। और अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो जहाँ पर भी वो आदमी अपनी उस इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ रहा हो, वहाँ पर भी इस पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस। मीन्स एक बार जो ऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता, वो बदला भी जा सकता है। कब? जब सरकमस्टांसेस चेंज हो जाएं किसी भी पार्टी के।
तो कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो फाइनल ऑर्डर भी और इंटरिम ऑर्डर भी दोनों को ही बदला जा सकता है, ये कोर्ट की मर्जी है। इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी, कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि हमें बदलवाना है इस ऑर्डर को, वो उसको एप्लीकेशन देगी कोर्ट को, और कोर्ट को अगर ठीक लगेगा जो एप्लीकेशन में लिखा है तो उसको ऑर्डर को बदला भी जा सकता है। ये ऑर्डर जो है मेंटेनेंस का, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये नहीं है कि एक ही तरफ जाएगा। ये मान लो 10,000 मेंटेनेंस लगी हुई है, अगर सरकमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो 10,000 का 15,000 भी हो सकता है, 10,000 का 5,000 भी हो सकता है, और ये कैंसिल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा कानून बोलता है। एग्जाम्पल क्या है सरकमस्टांसेस चेंज होने के, कैसे कैसे सरकमस्टांसेस, जैसे मान लो किसी हस्बैंड के अगेंस्ट ये मेंटेनेंस लगी थी बट अब उसकी सैलरी बढ़ गई, तो वाइफ फिर से एप्लीकेशन दे सकती है और मेंटेनेंस को बढ़वा सकती है। अगर सैलरी डिक्रीज हो जाए तो ये घट भी सकती है, या फिर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स से वो ली थी मेंटेनेंस ली थी बट अब वो मेजर हो गया, मीन्स 18 साल से ऊपर हो गया, तो भी मेंटेनेंस चेंज हो सकती है। या फिर डिवोर्स हो गया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये चल रहा था 125 सीआरपीसी का केस, बट उसके पेनेंसी में डिवोर्स हो गया और वाइफ ने सारे क्लेम सेटल कर लिए, तो उस केस में जो ये मेंटेनेंस ऑर्डर है ये कैंसिल भी हो जाएंगे। या फिर वाइफ जो थी डिवोर्स वाइफ, उसने री मैरिज कर ली तो भी ये कैंसिल हो जाता है, या कोई भी क्लेमेंट की डेथ हो गई तो भी ये चेंज हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, तो कोई भी आपकी सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए हो तो काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे बताइए। थैंक यू।